का नाम सबके फ्लावर समझे क्या? फायर है। हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक नई तरीके का एडिटिंग सीखने वाले हैं। प्रीव्यूज आपने देखा ही होगा। तो इस तरीके का ट्रेनिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने फोटोज का, तो कैसे बना सकते हो वो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। तो आज जो ये ट्यूटोरियल होने वाली है वो यहाँ पर देखिए वीवा कट एप्लीकेशन में होने वाली है। तो यहाँ पर ये जो वीवा कट एप्लीकेशन है इसे ओपन कर लेना है। ओपन करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे चले जाना, उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली इमेजेस में चले जाना है। पर जितने भी इमेज होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिंपली ये वाली जो इमेज है आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैं कुछ फोटोज ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये फ़ोटो जो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं होगी तो यहाँ पर देखिए आपको फ़ोटो पे क्लिक कर देनी है, और यहाँ पर आपको क्रॉपिंग वाली ऑप्शन मिल जाते हैं। नीचे क्रॉप पे चले जाना और यहाँ पे 9:16 वाली रेशो को सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर डन पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो फ़ोटो होगी वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। फोटो पे क्लिक कर देनी और यहाँ पर क्रॉप वाली ऑप्शन पे चले जाना और 9:16 के रेशो पे आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सभी फोटोज़ को आपको क्रॉप कर लेना है प्रॉपरली। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है टैप टू ऐड म्यूज़िक। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इस वीडियो में आपको म्यूज़िक को ऐड करना होगा, तो इस पर क्लिक कर देनी है। अगर आपके फ़ोन के फोल्डर्स में किसी हो गए म्यूज़िक तो यहाँ पर इन डिवाइस में चले जाना। अगर आपके पास म्यूज़िक नहीं है, किसी भी वीडियो में से आपको ऑडियो रिमूव करना है, तो आपको सिंपली एक्सट्रैक्ट म्यूज़िक पर क्लिक कर देनी है। और यहाँ पर से जिस भी किसी वीडियो में से आपको ऑडियो रिमूव करना है तो वो वाली वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर देना। यहाँ पर ये देखिए म्यूज़िक जो होगी वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी आपके वीडियो में, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको ये वाली जो सॉन्ग होगी उसे आपको सुन लेना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं इसे प्ले कर देती हूँ और यहाँ पर इसकी जो बीट्स होंगी उसको आपको पहले सुन लेना है। तो यहाँ पर से ये जो बीट है वो स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पहले तो जूम कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मार्क वाली एक ऑप्शन मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर देनी है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको सॉन्ग को सुनकर ये जो बीट मार्क्स है उसे लगा देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जितने भी बीट मार्क्स है वो यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो सभी बीट मार्क्स थे वो यहाँ पर लगा दिए, तो इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली जो फर्स्ट वाली फ़ोटो है उसे यहाँ पर आपको फर्स्ट बीट मार्क तक एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर फ़ोटो पर क्लिक कर देनी है और इसे इस तरीके से एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। आपको फर्स्ट बिट मार्क पे आ जाना और यहाँ पर इसे फर्स्ट बिट मार्क तक एक्सटेंड कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट बिट मार्क पे आ जाना है, फोटो पे क्लिक कर देनी है और यहाँ पर स्प्लिट वाली ऑप्शन मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर देना और जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे उसे यहाँ पर से इस पर क्लिक करके डिलीट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट बिट मार्क पे आ जाना है, फोटो पे क्लिक कर देनी है, स्प्लिट कर देना और जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे उसे यहाँ पर से डिलीट। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आपको कुछ फ़ोटोज़ को यहाँ पर एडजस्ट कर देना है बिट मार्क के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो कुछ फ़ोटोज़ थे वो यहाँ पर ऐड कर दी हूँ बीट मार्क के हिसाब से। अभी इन फ़ोटोज़ में शेक वाली इफेक्ट लगाने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर इस फोटो पे क्लिक कर देनी है। फ़ोटो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल कर देना और यहाँ पर देखिए आपको नीचे एनिमेशंस मिल जाएंगे, इस पर चले जाना और इसमें जाओगे तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे एनिमेशंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली जो ये हॉट वाली ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली एनिमेशन इफेक्ट्स होगी उसे लगा देना, तो इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली जो फोटो होगी उसमें ये फर्स्ट वाली इफेक्ट आ जाएगी। फिर आपको इस तरीके से थोड़ा जूम कर लेना और ये जो बाकी के फ़ोटोज़ होंगे उसमें कलर एनिमेशंस आ जाएगी, तो इस फोटो पर क्लिक कर देनी है, एनिमेशंस पर चले जाना और ये देखिए ये स्केल A3 वाली एक ऑप्शन मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर देनी है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एक फ़ोटो छोड़कर दूसरी वाली में क्लिक कर देना, एनिमेशंस में जाना और ये स्केल 4 वाली ऑप्शन को लगा देनी है। यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट फोटो के पास चले जाना है, यहाँ पे एनिमेशंस में जाना और स्केल A3, आपको एक फ़ोटो में A3 वाली इफेक्ट को लगाना और दूसरी वाली जो फ़ोटो होगी उसमें A4 वाली। इसी तरीके से यहाँ पर 1 by 1 आपको सभी फ़ोटोज़ में ये वाली इफेक्ट को लगा देना है, ठीक।
उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट वाली जो फोटो बड़ी वाली है उसमें यहाँ सॉन्ग को सुनोगे तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि फायर है, ठीक है। तो यहाँ पर से ये जो आपको पहले सुन लेना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो डायलॉग होती है ये वाली जो ऑडियो है इसमें फायर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बीट मार्क लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो फोटो होगी ये फर्स्ट वाली उसमें एक फायर वाली इफेक्ट आपको ऐड कर देना है। उसके लिए यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ओवरले वाली एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर चले जाना। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन पे चले जाना। ऑनलाइन में यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऐसे फिल्टर्स यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको एक्सप्लोशन वाली एक इफेक्ट मिल जाएगी, इस पर चले जाना। और यहाँ पर जब आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे तो ये देखिए एक फायर वाली एक इफेक्ट मिल जाएगी, तो इस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाली फ़ोटो जब भी फिनिश हो जाती है वहाँ पर आ जाना है, और ये जो ब्लैक स्क्रीन होगी आपकी इस पर क्लिक कर देनी है और यहाँ पर स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद ये जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे उसे यहाँ पर पहले आपको डिलीट कर देना। यहाँ पर देखिए फायर वाली इफेक्ट होगी, इसे आपको क्लिक कर कर यहाँ पर इस तरीके से आपको जूम कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसे जूम कर लेती हूँ, तो यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके का ट्रेनिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो अपने फ़ोटोज़ का तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।